नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल, अपनी बात। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफ्रे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक, अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफ्रे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीता नगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीता नगर, अकोला। वैक्सीन नहीं तो दे आत्महत्या की अनुमति। कोरोना नियमों को लेकर पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। प्रहार संगठन का ताली और थाली ठोको आंदोलन। और देह व्यापार का पर्दाफाश। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम कसने के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। नागरिक भी अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं, जिससे सेंटरों पर बेताशा भीड़ हो रही है। महानगर पालिका क्षेत्र के सेंटरों पर टोकन पद्धति शुरू की जाने से 45 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग वाले नागरिकों को टोकन के लिए सुबह से ही घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा था। इसी कारण अब वैक्सीनेशन के लिए परेशान नागरिकों को राहत देने के लिए महानगर पालिका ने टोकन पद्धति बंद करते हुए अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शुरू किया है, जिसके स्लॉट सुबह 6 बजे खुलते हैं। वैक्सीनेशन की किल्लत की वजह से नागरिकों को समय पर दूसरा डोज नहीं मिल पा रहा था और कोवैक्सीन के दूसरे डोज के लिए भारी भीड़ हो रही है। इसी कारण महानगर पालिका ने कोवैक्सीन का दूसरा डोज 21 और 22 मई को 5 सेंटरों पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था, जिसमें कस्तूरबा गांधी अस्पताल, कृष्णाबाई भारतीय अस्पताल, कृषि नगर, मनपाशाला 22, आदर्श नगर, मनपाशाला क्रमांक 16, नागरी आरोग्य केंद्र अशोक नगर सेंटर पर सुबह 9 से 1 तक वैक्सीनेशन मिलेगी, ये बताया गया था। लेकिन कई लोगों को ये जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से हमेशा की तरह टोकन लेने के लिए लोगों ने सुबह से ही कृषि नगर के सेंटर पर भीड़ की थी और कई लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं आता है। इसी से तंग आकर एक व्यक्ति ने वहां के सूचना फलक पर अगर वैक्सीनेशन नहीं मिलता है तो आत्महत्या करने की अनुमति दी जाए, इस प्रकार लिख दिया, जिससे काफी हंगामा हुआ। जिन लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करते आता या जिन लोगों के पास वो सुविधा नहीं है, प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध कर पाई जाए। केंद्र कृषिनगर इथे लोक रात्री 1 वाजल्यापासून विनाकारण गर्दी करून रांगेत उभे राहतात आणि मग सकाळी हुज्जत घालतात, त्यामुळे आणि बाकी सेंटर मध्ये पण असेच चालू आहे। आणि लॉकडाऊन आणि कोरोनाचे पेशंट वाढत असल्यामुळे आता पुढचे लॉकडाऊन संपेपर्यंत तरी सरकारने ही योजना केली आहे की सर्व कोवॅक्सिनचे सेकंड डोज असू दे किंवा कोविशिल्डचे डोजेस असू दे, हे ऑनलाईन अपॉइंटमेंट ज्यांनी घेतलेली आहे त्यांनाच मिळणार आहे। आणि त्याच्यामध्ये पण 60 वर्षाच्या वर ज्यांचं वय आहे त्यांना प्रिफरन्स मिळणार आहे। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर स्तर पर प्रशासन प्रयास कर रहा है, पर नागरिक है कि मानते नहीं। आज भी लोग सड़कों पर बेवजह टहलने निकलते ही हैं। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए और कोरोना की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। आज माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम के मार्गदर्शन में SDPO सचिन कदम इनके नेतृत्व में सिटी कोतवाली के थानेदार उत्तम जाधव, यातायात पुलिस निरीक्षक गजानन शील के उप निरीक्षक वाग, इन्होंने अपने दल के साथ रास्ते पर पैदल घूमकर नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहने की चेतावनी दी है। लोगों से अपील है कि वो बिना वजह ना निकले, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। केंद्र सरकार ने रासायनिक खादों के दामों में जो बढ़ोतरी की है उसे रद्द किया जाए, साथ ही तुअर, मूंग, उड़द, इन दलहनों का आयात रोका जाए, ये मांग करते हुए प्रहार संगठन की ओर से गुरुवार को दोपहर बाद
पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर थाली और ताली बजाओ आंदोलन किया गया। देश में तुअर दाल की सालाना जरूरत केवल 43 लाख टन है, जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समय 45 लाख टन तुअर देश में उपलब्ध है। सरकार ने बावजूद इसके 6 लाख टन तुअर आयात की है, जबकि हमारी जरूरत से अधिक तुअर इस वक्त देश में ही उपलब्ध है, तो बाहर से मंगवाने का अर्थ क्या है? यही सवाल प्रहार ने किया है। प्रहार ने कहा है कि केंद्र सरकार यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि मूंग और उड़द तथा तुअर की आयात पूरी तरह से खुली कर दी गई है। परिणाम स्वरूप देश के व्यापारी अब दलहनों का आयात करेंगे, लिहाजा हमारे किसानों द्वारा उत्पादित कृषि माल मिट्टी में होना महज वक्त की बात है। ये समर्थन मूल्यों को नीचे लाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अधिक रुपए कमाने के लिए वर्तमान में कुछ लोग मेहनत करने के बजाय शॉर्टकट का मार्ग इस्तेमाल करते हैं। रुपए कमाने के लिए अवैध धंधों समेत जिस्म फरोशी का व्यवसाय भी कर रहे हैं। जरूरतमंद महिलाओं तथा युवतियों को तलाश कर उन्हें इस गर्त में धकेला जा रहा है। रामदासपेट पुलिस थाने की सीमा में चलने वाले हाई प्रोफाइल अड्डे पर SDPO सचिन कदम तथा महिला पुलिस उप निरीक्षक पूजा महाजन ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में दल ने दो आरोपियों तथा एक पीड़ित महिला को हिरासत में लिया, जबकि इस अड्डे को संचालित करने वाला मुख्य आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। रामदासपेट पुलिस थाना निरीक्षक गजानन गुल्लाने को गुप्त जानकारी मिली थी कि सातो चौक परिसर स्थित प्रसाद कॉलोनी में बने ओंकार अपार्टमेंट के फ्लैट क्रमांक 6 में देह व्यापार का अड्डा चल रहा है। इसी जानकारी के आधार पर उन्होंने उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद SDPO तथा महिला पुलिस अधिकारी ने व्यू रचना तैयार कर छापामार कार्रवाई की और इस कार्रवाई में दो पुरुष तथा महिला को गिरफ्तार किया। इस छापामार कार्रवाई में दल ने बोरगांव मंजू पुलिस थाने की सीमा में आने वाले अंबिकापुर निवासी 22 वर्षीय ऋषिकेश संजय मालोकार, दापुरा निवासी 23 वर्षीय अनंत नागोराव गावंडे के साथ महिला को आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाने के कारण पकड़ा। दल ने आरोपियों के पास से एक दुपहिया वाहन, मोबाइल समेत 67,020 रुपए का माल जब्त भी किया है। बताया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है अमरावती जिले के रुस्तमपुर निवासी 23 वर्षीय विक्की विजय कौले गरीब जरूरतमंद महिला तथा युवती को रुपए का लालच देकर यहाँ पर लाता था तथा जिस्म फरोशी का व्यवसाय करवाता था। ग्राहकों से मिली रकम से वो स्वयं भी हिस्सा लेता था। महिला अधिकारी पूजा महाजन की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ देह व्यापार प्रतिबंधक अधिनियम की कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। ओंकार अपार्टमेंट, या अपार्टमेंट मध्ये दोन युवक अनैतिक व्यापारानुसार महिलांचा देह विक्री करण्याचा व्यापार करतात। या गुप्त माहिती मिळाल्यानुसार पंडरचा यूज करून सदर ठिकाणी घटनास्थळी रेड केली असता त्या ठिकाणी एक पीडिता व दोन आरोपी मिळून आल्याने सदर पीडितेची या आरोपीकडून सुटका करण्यात आली आहे। दोन आरोपी विरुद्ध अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार कारवाई करून त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। यामध्ये दोन आरोपी असून त्याच्यामध्ये ऋषिकेश मालोगात हा राहणार अंबिकापूरचा आहे, तसेच विक्की कवाळे हा येवदामधला राहणारा असून दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांना सदर गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यात आली आहे। तसेच पुढील तपास करण्याची तजवीज ठेवलेली आहे। पीडितेस सुटका करून तिला महिला सुधारगृहामध्ये ठेवण्यात आलेलं आहे। तेलारा तहसील के ग्राम भांबेरी, मनबदा व नेर में अवैध रूप से धंधे संचालित हो रहे, ऐसी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में गठित ADC प्रमुख विलास पाटिल को मिली थी। इसी जानकारी के आधार पर उन्होंने दल को कार्रवाई करने के आदेश दिए और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिलते ही दल ने ग्राम मनबदा से 34 वर्षीय सतीश मधुकर पवार के पास से 840 रुपये की शराब तथा ग्राम भांबेरी से शरद भीमराव बुदड़े, सुरेश बानाजी बुदड़े, नितिन रामेश्वर उपराटे और बाबन बिंदु जी बुदड़े को गिरफ्तार किया है और उनके पास से जुआ सामग्री समेत नगद 1,410 रुपये, ग्राम मनबदा से पंजाबराव साहेबराव ताड़े को गिरफ्तार कर वर्ली सामग्री नगद 1,300 रुपये और ग्राम नेर से आरोपी ईश्वर किशन बावने के पास से वर्ली सामग्री नगद समेत 1,030 रुपये, इस तरह कुल 4,580 रुपये का माल जब्त किया है। ATC द्वारा पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी एवं महाराष्ट्र जुआबंदी अधिनियम की कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
खदान पुलिस थाने में दर्ज एक मोबाइल चोरी के मामले की जांच करते हुए डीबी कर्मचारियों ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दल ने आरोपी के पास से चुराया गया मोबाइल भी जब्त कर लिया है। आरोपी के पास से और भी चोरियां उजागर होने की संभावना दल ने जताई है। जिले में मोबाइल चोरियों का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस वजह से जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने मोबाइल पकड़ने के लिए एक विशेष दल का गठन किया है जो मोबाइल चोरी के मामले की तफ्तीश करते हैं। खदान पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात आरोपी ने उनका मोबाइल चुरा लिया है। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 379 के तहत अपराध दर्ज किया था। पुलिस निरीक्षक डीसी खंडेराव के मार्गदर्शन में अपराध अन्वेषण विभाग का दल जांच कर रहा था। इसी बीच दल को गुप्त जानकारी मिली कि रूपचंद नगर निवासी 20 वर्षीय कुणाल रविंद्र येसनपुरे इन्होंने चोरी का मोबाइल इस्तेमाल किया है। इसी जानकारी के आधार पर डीबी दल ने सदाशिव मार्गे सुरेंद्र दाबाड़े, राजेश वानखड़े, विजय चौहान, कपिल राठौड़, खुशाल निमाड़े, धीरज वानखड़े, शैलेश जाधव ने जांच करते हुए आरोपी को मोबाइल समेत गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सरप्राइजक है विधि सेल्स कॉर्पोरेशन, मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। विधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MRDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफ्रे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफ्रे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। वैक्सीन नहीं तो दे आत्महत्या की अनुमति। कोरोना नियमों को लेकर पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। प्रहार संगठन का ताली और थाली ठोको आंदोलन। और देह व्यापार का पर्दाफाश। समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की महत्वपूर्ण जानकारी और ताजा घटनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।